अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन 65, और ये बहुत अच्छी बनती है। आप इसको बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं और होल चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मैंने 900 ग्राम की चिकन ली है। मुझे छोटी चिकन पसंद है क्योंकि उसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसमें टेस्ट होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सबसे पहले हमें इसको चिकन को मैरिनेट करना है, तो मैं 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालूंगी, कश्मीरी चिली पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर डालूंगी 1 टीस्पून, और इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, लहसुन अदरक डालूंगी इसमें 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं दही डालूंगी 1 टेबल स्पून। मैं इसमें दही डालूंगी, जो दही का पानी है वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूंगी, रेड कलर का फूड कलर मैं इसमें ऐड करूंगी, रेड वाला। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले चिकन 65 में हमने चिकन को मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए। ठीक है, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जी गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब मेरी चिकन को पूरा 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले मैं सबसे पहले इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालूँगी। पहले हमने चिकन को मैरिनेट किया, अब हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी ग्रेवी सी बनाएंगे। ये दो उस पर बनती है। आप इसकी ग्रेवी भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल से भुना हुआ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस कि ये ऑयल में, अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको चिकन को पहले फ्राई करेंगे। जी गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। ये हमारी चिकन है, चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको भगा देंगे, जैसे कि हमारी चिकन है। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च है, 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 2 लहसुन के डब्बे लिए हैं, और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। असल फ्लेवर जो आता है वो इसी का ही आता है। और ये जो चिकन 65 होती है ये एकदम ड्राई होती है। बहुत से लोग इसकी ग्रेवी भी कर देते हैं। अगर आपको ग्रेवी करनी है तो आप उसको केचप डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसकी ग्रेवी भी कर सकते हैं। लेकिन असल जो चिकन 65 होती है, जो रियल डिश है, उसमें सिर्फ ये क्रिस्पी फ्राई चिकन होती है, और उसको ये लोग इसमें सौते करके चिकन को सर्व करते हैं। लहसुन को हमने इसको जलाना नहीं है। अब इसमें हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये बोनलेस चिकन की बनती है, लेकिन मैं इसको होल चिकन में बना रही हूँ। अगर आप बोनलेस चिकन में भी बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनती है। आपको पता है ये साउथ इंडियन डिश है, जैसे कि इनके तमिल की डिश है, साउथ इंडियन डिश है, और ये बहुत मज़े की बनती है। इसको आप लच्छे पराठों के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। यहाँ यही में आप चिकन 65 मांगेंगे तो वो आपको क्रिस्पी चिकन के साथ
और इनके लच्छे वाले पराठे जो मलबारी पराठे होते हैं उसके साथ सर्व कर देंगे। लच्छे वाले पराठे उसको चूर बोलते हैं, चूर पराठे के साथ सर्व करते हैं लोग। अब इस स्टेज पे हम इस पर चिकन क्रिस्पी हो रही है इस स्टेज पे हम लोग ब्लैक पेपर डालेंगे एक चम्मच भर के। चलाएंगे तो हमारी चिकन 65 बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी चिकन 65 क्रिस्पी चिकन 65 हमारी रेडी है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है और इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है स्पेशली कड़ी पत्ते का और लहसुन का, और एकदम से ये ड्राई फ्राइड फिश चिकन होती है और बहुत मज़े की होती है। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।